इस बार काम होगा? कब नहीं हम काम किए हैं ये सवाल करिए। कभी ऐसा हुआ है कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते काम नहीं किया है? चौसा का बिजली घर किसने लाया था? मेरे पिता जगदानंद सिंह ने 15,000 को। बक्सर से आरा तक का फोर लेन किसने लाया था? उस जमाने में उन्होंने लाया था पैसा। आरा मोहनिया से आरा तक का फोर लेन अपने ज़माने में पैसा लाया था। लोगों ने उसको लेट लबदीफी में रोका, ये दोषी थे, जनता जानती थी, इसीलिए डंड मिलाए लोग। ऐसा क्यों कह रहे हैं? 20,000 करोड़ लाए थे, मैं 40,000 करोड़ लाऊंगा। बयान में सुधाकर सिंह ने कहा है कि NH 922 जो है वो हमारे पिताजी और हमारी पहल पे बने हुए हैं। सारी समस्या उनके पिताजी और वो खुद हैं। उनके पिताजी 18 साल मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री, और उन्हीं के एक पाप का नतीजा है कि आज बक्सर को पानी नहीं मिल रहा है। केवल रामगढ़ के लिए उन्होंने अपनी योजना बनाई, क्योंकि वहीं से उनको चुनाव जीतना था और बेटे को जिता लिए और बाकी पूरे विधानसभा को फांसी पर लटका दिए। अगर निकृष नहर पंप जो योजना है वो अगर चालू हो गया रहता, मलई बराज को रोकवाने में मेन भूमिका उन्हीं की है। ये सारा काम उन लोगों ने किया है जिसके चलते आज हमारे किसान परेशान हैं। और तेजस्वी यादव पिछले 17 महीने बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और ये सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के पास थे, कुछ नहीं किया। और उनके 6-6 विधायक और 1 सांसद आज पूरी तरह बक्सर पर महागठबंधन का कब्जा है और किसान हमारे रो रहे हैं, परेशान हैं। और न सांसद को इसका पता है, न यहाँ के विधायकों को पता है, न इनका मुंह खुल रहा है और न इन्होंने कुछ किया है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में यहाँ की जनता और यहाँ के किसान इन लोगों का अच्छा से देखभाल करेंगे, आने वाले चुनाव में इनका हिसाब। मलई बराज में जो डिस्प्यूट है किसानों के बीच में, दो पक्ष है, एक पक्ष चाहता है बने, एक पक्ष चाहता है नहीं बने। हमने एक पंचायती 4 महीना पहले किया है, हम और आके टिकट। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पंचायती को सरकार मान लेगी और वो पूरा होगा।